क्या कर रही है? इसका दर्द है, क्या है ये? दौलत बहुत है, चिल्लाती रहे 24 घंटे। पेशाब पेशाब करते में परेशानी कुछ, मतलब झुक जाती हो नीचे को? चारा वारा तो खा ही ले, पर इसकी सफाई वफाई होगी है ना, हुई इसके ज्यादा ना गया है इससे। कुछ गंदा बंद गिर रही है मेला वेला से। पकड़ी उड़ी आगे से पकड़ी जरा। वाला वाला तो कुछ है ना, ले मोबाइल पकड़ी है। इस बकरी के साथ जो हुआ, इसका कुछ दिन पहले अबॉर्शन हुआ, इसने 3.5 महीने के बच्चे फेंक दिए थे, और फेंकने के बाद ओनर ने इसका इलाज भी करा दिया। अब यहाँ पर इसके यूट्रस में गंदगी वगैरह रुक गई है कुछ थोड़ी बहुत, और इसमें सिम्टम्स ये आ रहे हैं कि बार बार टैल उठा रही है, अपनी पूंछ को उठाए रखती है, और बेचैन रहती है, और बहुत ज़्यादा भागती है, स्ट्रेस भी है, और फीवर नॉर्मल है, चारा खारा सही बढ़िया खाती है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये चिल्ला बहुत ज़्यादा रही है। तो यहाँ पर हमने इसको दिया है पेन किलर कीटोप्रोफिन 2 ml, साथ ही साथ हमने इसको इंद्रोफ्लोक्सासिन भी दिया है, क्योंकि बॉडी में हल्का फुल्का फीवर होने की वजह से भी जानवर परेशान रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, स्ट्रेस रहता है, और साथ में हमने दिया है इसको एविल यानी CPM 2 ml। ये तीनों इंजेक्शन लगाए हैं, और यूट्रस में किसी प्रकार की गंदगी है जिसकी वजह से चिल्ला रही और बेचैन रहती है, परेशान रहती है, या मेट्राइटिस का शिकार हुई है, तो उसके लिए आपने जो सिरप चलानी है, उस सिरप का नाम है यूट्रोजन। यूट्रोजन सिरप आपने 5 ml सुबह 5 ml शाम लगातार 1 हफ्ते तक आपने देनी है। अगर यूट्रस में किसी प्रकार की गंदगी या इन्फेक्शन होगा तो 100% वो साफ सफाई हो जाएगी। इसी वजह से ये चिल्ला रही है, परेशान है, बेचैन है, और दिन भर ये चिल्लाती रहती है। यहाँ पर चारा भी खाती है, सब काम करती है, जुगाल भी करती है, लेकिन ओनर का कहना है कि बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, जैसे कि इसका दर्द हो, अंगड़ाई भी लेती है, शरीर अपना तोड़ती है, इस तरह के लक्षण आ रहे हैं अबॉर्शन के बाद।